उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्टेडियम में कबड्डी खिलाड़ियों को टॉयलेट में रखा हुआ खाना खिलाया गया, जिसके बाद से अब सोशल मीडिया पर आयोजकों की जमकर ट्रोलिंग शुरू हो गई है। बता दें कि सोशल मीडिया के माध्यम से यह मामला लखनऊ के खेल निदेशालय तक पहुंचा और मामले में कार्रवाई भी शुरू हो गई। खेल अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। इस मामले की खेल निदेशालय अब अपने स्तर पर जांच भी कर रही है, वहीं जिला अधिकारी ने भी इस मामले पर जांच शुरू कर दी है। जब मामले का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा तो खेल अधिकारी अनिमेश सक्सेना ने इन आरोपों को ही गलत बता दिया। उन्होंने कहा कि खाना बाथरूम में नहीं रखा गया था, हमने तो स्विमिंग पूल के पास ही खाने की व्यवस्था की थी, लेकिन बारिश होने लगी थी इसलिए खाना वहां से हटा दिया गया। दूसरी तरफ स्टेडियम में काम भी चल रहा था और बारिश के कारण कहीं और रखने की जगह भी नहीं थी। हालांकि आपको बता दें कि खेल निदेशालय खेल अधिकारी के इन बातों से सहमत नहीं है, उन्होंने अधिकारी को सस्पेंड कर दिया है। सोशल मीडिया पर अब इस वीडियो के वायरल होने के बाद से भाजपा एक बार फिर निशाने पर आ गई है। देखिए ये वीडियो। दरअसल उत्तर प्रदेश के कबड्डी संघ ने राज्य स्तरीय सब जूनियर बालिकाओं की प्रतियोगिता की मेजबानी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर को दी थी। इस टूर्नामेंट में शामिल होने के लिए 17 क्लस्टर और एक खेल हॉस्टल की टीमें पहुंची थी। इसमें करीब 300 खिलाड़ी वहां पहुंचे थे, जिनके रहने और खाने का इंतजाम स्टेडियम में ही किया गया था, लेकिन टूर्नामेंट के पहले दिन से ही आयोजन की बदहाली का वीडियो वायरल होने लगा। इस पूरे खबर पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की तमाम ऐसी ही खबरों से अपडेटेड रहने के लिए देखते रहें स्पाइस न्यूज़ भारत। शुक्रिया। स्पाइस न्यूज़ भारत, हर खबर आप तक।